नमस्कार दोस्तों, सीतापुर रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आई हूँ नई रेसिपी लेकर। तो रेसिपी बनाने के लिए हम चूल्हे के पास चलते हैं और प्लीज मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों मैं चूल्हे के पास आ चुकी हूँ। आज हम रेसिपी में बनाएंगे लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैंने जो जो सामग्री ले रखी है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों चोखा तो हम सामान्य चोखे की तरह बनाएंगे, जो बाटी है जिसे हम लिट्टी कहते हैं उसे मैं कुछ नए तरीके से बनाऊंगी। तो प्लीज मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे लिट्टी को बनाने के लिए हमने आटा लिया हुआ है और यहाँ पे मक्के का आटा मंगराई लिया हुआ है हमने, नमक, अजवाइन, सरसों का तेल और यहाँ पे ये लंबा वाला बैंगन लिया हुआ है हमने, आलू लिया हुआ है, टमाटर और यहाँ पे दो नींबू लिया हुआ है, हरी मिर्च, अदरक और यहाँ पे प्याज। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन को भूनने के लिए आग को जला लेते हैं। तो दोस्तों बैंगन को भूनने के लिए हमने आग को जला लिया हुआ है। अब हम आग को फैलाकर बैंगन और आलू को इसमें हम भूनने के लिए डाल देंगे। तो इस तरह हम बैंगन को इसी में डाल देंगे। तो अब हम बैंगन को ढक देते हैं ताकि अच्छे से भून जाए। तो बैंगन को हमने ढक दिया हुआ है। तो आग के दूसरी तरफ हम आलू को डाल देंगे। तो यहाँ पे भी हम आग को अच्छी तरह से फैला देंगे। तो आग को हमने फैला लिया हुआ है, अब हम आलू को इसमें डाल देंगे। अब आलू को भी हम ढक देंगे। तो आलू को हमने आग से अच्छी तरह से ढक दिया हुआ है। तो अब हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे कि आलू हमारा कितना पका हुआ है। तो दोस्तों जब तक हमारा बैंगन आलू भून रहा है तब तक हम मक्के के आटे को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मक्के के आटे को तेल में अच्छे से डालकर भून लिया हुआ है। तो ये अभी गर्म है तो इसे हम एक थाली में ठंडा होने के लिए फैला देते हैं। तो बैंगन को डाले 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। तो एक तरफ बैंगन हमारे अच्छे तरह से पक चुका है, अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ भी पका लेते हैं। तो बैंगन को हमने अच्छी तरह से पलट दिया है, अब हम इसे आग से फिर ढक देते हैं। आलू को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आलू को भी हम दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से भून जाए। तो इसे भी आग से हम दोबारा ढक देते हैं। तो बैंगन को हम दोबारा खोल कर देख लेते हैं। बैंगन को हम चेक कर लेते हैं, बैंगन हमारी अच्छी तरह से भुनी है कि नहीं। तो एक बैंगन को हम थाली में रखकर इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो डंठल है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें से छूट गया। तो इसका मतलब हमारा बैंगन अच्छी तरह से हो चुका है। तो हम एक एक करके बैंगन को आग से बाहर निकाल लेते हैं और थाली में रख देते हैं। तो सारे बैंगन को हम थाली में रख लेंगे। तो इसी तरह हम आलू को भी भूनकर थाली में बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बैंगन आलू हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, मैंने इसे आग से बाहर निकाल लिया हुआ है। तो अब हम बैंगन को पानी से धोलकर इसका छिलका हम अच्छे से उतार लेंगे और आलू का भी छिलका हम अच्छी तरह से धुलकर उतार लेंगे। तो बैंगन का छिलका हमने उतार लिया हुआ है, अब हम आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो लिट्टी को लगाने के लिए हमने दूसरी आग को जला दिया हुआ है। तो अब इसी आग में हम टमाटर को डाल देंगे। तो टमाटर को डालकर हम आग से अच्छी तरह से ढक देंगे। तो आटे को हमने गूंथ लिया हुआ है, अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो प्याज का हम अगला पिछला हिस्सा काटकर इसे अच्छी तरह से हम छील लेंगे। तो इसे हम एक बर्तन में रख देंगे। तो इसी तरह हम सारे प्याज को हम काटकर, तो सारे प्याज को हमने छील लिया हुआ है, अब पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो प्याज को हमने धो लिया हुआ है, अब दूसरे बर्तन में हम इसे रख देंगे। तो प्याज को अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो इस तरह हमें प्याज को हमें बारीक काट लेना है। तो इसी तरह हम सारे प्याज को हम काट लेंगे। तो प्याज को हमने बारीक काट लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने बैंगन को धोकर छील लिया हुआ है और आलू को भी हमने छील लिया हुआ है।
तो मक्के का आटा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो जो मैंने प्याज बारीक काटी हुई थी, तो इसमें से आधी प्याज हम मक्के के आटे में डाल देंगे। तो अब हम इसमें हरी मिर्च काट देंगे। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्च डालें। मैं 4 मिर्च काट कर इसमें डालूंगी। तो इस तरह हमें बारीक मिर्च काट कर इसमें डाल देना है। तो मिर्च को हमने डाल दिया हुआ है, अब हम डालेंगे अदरक। तो अदरक को भी हम बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। तो इस तरह बारीक हमें काट कर अदरक को इसमें डाल देना है। अदरक का स्वाद जो है बाटी में बहुत ही अच्छा आता है। तो हम सादी लिट्टी नहीं बना रहे हैं दोस्तों, हम मखनी वाली लिट्टी बना रहे हैं, जिसमें मैंने बेसन नहीं मक्के का आटा लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मक्के की जगह पे बेसन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बेसन नहीं लिया हुआ है, मैंने मक्के का आटा लिया हुआ है। तो अदरक को हमने डाल दिया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन हमने एक बड़ी चुटकी ली हुई है और थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें और डाल देंगे, ताकि हमारी बाटी का स्वाद बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने काली मंगरैल ली हुई है, मैं इसे भी थोड़ा सा डाल दूँगी। तो अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू। तो एक नींबू हम इसमें डालेंगे, एक नींबू हम चोखे में डालेंगे। तो एक नींबू को हम काट कर इसका रस इसमें डाल देते हैं। तो पहले हम नींबू का बीज बाहर निकालेंगे। एक कटोरी में हम नींबू का रस को निचोड़ लेंगे। तो बीज को हम बाहर निकालेंगे। तो अब नींबू के रस को हम इसमें डाल देंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो टमाटर को हम देख लेते हैं, टमाटर हमारा हुआ है कि नहीं। तो टमाटर हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसे भी हम आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं। तो लिट्टी के पूरन को हमने तैयार कर लिया हुआ है, अब हम बनाएंगे चोखा। तो चोखे को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी थाली ली हुई है, तो इसमें हम आलू को डाल देंगे। अब इसी के साथ में हम डाल देंगे बैंगन। अब बैंगन को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। तो प्याज को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल देंगे। तो मिर्च को हमने डाल दिया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर हमारा गर्म है, तो इस कलछुल के सहारे हम इसको मसल लेंगे। तो टमाटर को हमने फोड़ लिया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक। तो अदरक को भी हम छोटा छोटा काट कर इसी में डाल देंगे, इस तरह बारीक काट कर हम इसे डाल देंगे। शाम हो गई है दोस्तों, अंधेरा बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस लिया हुआ है, तो अब इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिला देंगे। तो दोस्तों चोखा हमारा बनकर तैयार है, तो अब हम लगाते हैं बाटी। तो अब हम बाटी को तैयार कर लेते हैं। तो बाटी के लिए हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह गोल करेंगे इसको, हम इसकी एक गोल लोई बना लेंगे। तो लोई को मैंने फैला लिया हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे पूरन। तो पूरन को हम बीच में डालकर इस तरह से हाथों से दबा देंगे और इसके किनारे के हिस्से को हम इस तरह खींचते हुए इसको बंद कर देंगे और उंगली के सहारे
इसे हम इस तरह दबा देंगे। जो बाकी का बचा हुआ आटा है इसे हम रख देंगे। तो इस तरह हम इसे नीचे की तरफ कर कर इस तरह हम फिर लिट्टी को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूरन को अच्छी तरह से भर दिया हुआ है। तो लिट्टी को हम रख देंगे थाली में। अब हम दूसरी लिट्टी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दूसरी लिट्टी को भी हम इसी तरह भर लेते हैं। तो इसी तरह हम सारी लिट्टी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी लिट्टी को भरकर तैयार कर लिया हुआ है। अब हम आग को फैला देंगे। तो आग को फैलाने के बाद हम इस लिट्टी को आग पे रख देंगे। तो लिट्टी को हमने आग पे फैला लिया हुआ है। अब हम दूसरे आग से हम ढक देते हैं। तो थोड़ी देर बीत चुका है। अब हम आग को हटा लेते हैं। तो लिट्टी को हम अब पलट लेते हैं। लिट्टी को हमने पलट लिया हुआ है। तो अब हम दोबारा इसे आग से ढक देते हैं। तो अब हम आग को हटाकर देख लेते हैं लिट्टी हमारी पकी है कि नहीं। तो एक लिट्टी को मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है। तो लिट्टी को मैं फोड़कर दिखा देती हूँ कि मेरी लिट्टी कैसी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें की मकुनी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। प्याज व्याज सब अच्छी तरह से पक चुका है। तो लिट्टी हमारी बनकर तैयार है। तो सारी लिट्टियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की ये लिट्टी और चोखा दोनों बनकर हमारा तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।